मध्य प्रदेश में अब अपराधियों के हौसले बुलंद हो चले हैं। वह लगातार अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला प्रदेश के खजुराहो के बमीठा से जुड़ा हुआ है, जहां पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने सोच क्रिया करते व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। दरअसल बमीठा में संतोष बुनकर पिता गोरीलाल बुनकर उम्र 40 वर्ष निवासी पहरा सुबह 6 बजे करीब गांव के बाहर सोच क्रिया के लिए गया था। जमीनी रंजिश के चलते गांव के ही गयाधीन बुनकर और राम स्वरूप बुनकर ने संतोष बुनकर के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। संतोष बुनकर के सिर, आंख के ऊपर, पैर में कुल्हाड़ी से 3 बार किए और मरा हुआ समझकर हमलावर घायल संतोष एवं उसके परिवार वालों की थाने में रिपोर्ट करने पहुंचे। जब संतोष के घर वालों को खबर लगी तो घर वालों ने घायल संतोष को 108 एम्बुलेंस की मदद से बमीठा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां संतोष की गंभीर हालत को देखकर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं बमीठा पुलिस ने संतोष के भाई की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। आपका क्या नाम, कौन से गांव के हो? दयाराम नाम है साहब, पहरा के यहाँ। ये कौन है आपके जो लगा है? जो भैया है हमारा। क्या नाम है इनका? संतोष। क्या हो गया? सुबह से लैटिंग करने गया था तो गयाधीन ने रामस्वरूप ने मारपीट की कुल्हाड़ी से। कहाँ कहाँ चोटें आई? सिर पे आई सर, यहाँ भी आई, आँख के बगल में और पाँव में भी आई कुछ चोटें। कितने बजे घटना आई? सुबह 6 बजे की सर। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।